उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफे के बाद शिवसेना ने बीजेपी और बागियों पर हमले तेज कर दिए हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बागियों को सरकार गिराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उन्होंने सरकार गिरा दी। उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूं। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बालासाहेब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। मुझे समझ गया है, मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा। अभी अभी मेरे पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूं। और पवार साहब ने मुझे कहा, संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है, मैं मेरी बात रखूंगा। ये राजनीति के स्टेप है मुझे रोकने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, उद्योग जी को रोकने के लिए, लेकिन हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया।